नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन के बाड़ी में सीमेंट के पाइप में अज्ञात का शव मिला। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी KNH 45 पर मिला शव। मृतक की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस, लेकिन अभी तक नहीं मिली सफलता। रायसेन जिले के बाड़ी थाना अंतर्गत आने वाले NH 45 मधुरम ढाबे के पास एक सीमेंट के पाइप में शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मौके पर बाड़ी पुलिस ने शव को अपने में कब्जे में लेते हुए PM के लिए भेज दिया था और मृतक की पहचान करने में पुलिस जुट गई, लेकिन पुलिस अब सफलता नहीं मिल पाई है। थाना प्रभारी बाड़ी कपिल गुप्ता ने बताया कि जो शव मिला था उसकी शिनाख्त के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। रायसेन संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। विगत 15 मई को जो है डिब्बी जोड़ के हरसिली के पास हाईवे से लगभग 15 से 20 फीट दूर एक नरकंकाल मिला था, जो ऊपर से आधा जानवर द्वारा पूरा खा दिया गया। उसकी हमने जो है भोपाल नॉन मेडिकल में मेडिकोलॉजिकल सेक्शन में पूरी टीम के द्वारा उसका PM कराया गया, पर चूंकि चेहरा का कोई मास नहीं है, शरीर पर किस प्रकार का ऐसा कोई साइन नहीं है, इसलिए अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। चेहरे का मास उसका सुरक्षित था, पर शरीर में ऊपर के धड़ का चेहरे का कोई मास नहीं है। उसकी शिनाख्त भी अभी तक आसपास हमने सभी जगह आरंभ कर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में आसपास इंसान और अस्पताल की अगर किसी प्रकार के व्यक्ति घूमने की सूचना है उससे हम मिलान कर रहे हैं, पर अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, प्रयास जारी है। उसके आसपास कुछ मिला था क्या? उसके आसपास कुछ नहीं मिला, केवल उसके पैंट पहनी हुई है स्लेटी रंग की और शरीर के ऊपर तो कोई नहीं था। उससे थोड़ी सी दूर एक काले रंग की टी शर्ट पड़ी हुई है, संभवतः उसी की है। आसपास घटनास्थल पर कोई ऐसे संघर्ष के निशान हमें नहीं मिले और PM रिपोर्ट भी उसकी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा जो है संभावना जताई गई है कि हो सकता है कि कोई मानसिक विक्षिप्त हो, क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल हैं काले और सफ़ेद, 45 साल के आसपास उम्र बताई गई है और ये तत्काल करीबन PM रिपोर्ट के अनुसार 7 दिन पुराना है। क्या कार्रवाई की मर्ग वगैरह कायम? मर्ग पंजीबद्ध है और इसकी अभी शिनाख्त की कार्रवाई जो है हर प्रकार से संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी उसकी शिनाख्त करवा दी जाएगी।